माफिया डॉन अतीक अहमद को गुजरात से लेकर निकली यूपी पुलिस। यूपी पुलिस के गाड़ी में बैठते वक्त काफी डरा हुआ था अतीक अहमद। साबरमती जेल से निकलने पर अतीक अहमद बोला, ये मुझे मारना चाहते हैं। 6 गाड़ियों के काफिले के साथ उत्तर प्रदेश आएंगे अतीक। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने वाराणसी के होटल के कमरे में फांसी लगाकर दे दी अपनी जान। घटना के 1 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर फैंस को बताई मन की बात। राहुल पर सदन में दिए गए बयान पर बोली प्रियंका गांधी, कहा भरी संसद में मेरी माँ का अपमान हुआ। शहीद के बेटे को देशद्रोही कहा गया। मुझे जेल में डाल दो तो भी हम झुकने वाले नहीं, देश के प्रधानमंत्री कायर है। राजघाट में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार। राहुल गांधी के साथ जंग में कूद पड़ी प्रियंका गांधी का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज से पढ़े हैं राहुल और आप उन्हें पप्पू कहते हो। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर सियासत गरमाई। भाजपा ने कहा करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर गहरा पहार किया। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर सियासत गरमाई। भाजपा ने कहा करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर गहरा प्रहार किया। उद्धव गुट के खोखे खोखे का करारा जवाब दिया एकनाथ शिंदे के मंत्री संदीपान भुमरे ने, कहा इतने सांसद विधायक छोड़ गए अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे शिवसेना में आने का इंतजार कर रहे हैं, बस बुलाने भर की देरी है। अब मुसलमानों को रिझाने में पूरी तरह जुट गई भाजपा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देने जा रही है 4% आरक्षण। बेंगलुरु में मेट्रो ट्रेन की यात्रा करने के लिए काउंटर पर टिकट खरीदते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री मुंबई के साथ ऑनलाइन शेयर किया गया वीडियो। मध्य प्रदेश में अचानक निरीक्षण के दौरान एक स्कूल में प्रिंसिपल के कमरे में मिले शराब की बोतलें और कॉन्डम मुरैना की है घटना। स्कूल को कर दिया गया सील। असत्य के मार्ग पर चलने वाला सत्याग्रह की बात नहीं कर सकता। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। इसरो के अंतरिक्ष में ऊंची छलांग। 36 सैटेलाइट के साथ सबसे भारी LV-M3 रॉकेट किया लॉन्च। मालेगांव में उद्धव ठाकरे ने दी राहुल गांधी को चेतावनी, कहा स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंतर मंतर रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने मशाल जुलूस निकालने की कोशिश। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को तुरंत हिरासत में लिया। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, कहा हम आपके साथ लेकिन नहीं सहेंगे वीर सावरकर का अपमान। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स जोधपुर से हुआ गिरफ्तार। इसी ने सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी भेजा था जान से मारने की धमकी भरा ईमेल। कियारा आडवाणी ने देर रात मारी एयरपोर्ट पर एंट्री, सिंदूर और मंगलसूत्र न पहनने पर हुई ट्रोल। मोदी मतलब भारत नहीं, मोदी का अपमान भारत का अपमान नहीं। उद्धव ठाकरे ने मालेगांव सभा में किया जोरदार हमला। मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद करवाने से अच्छा राज ठाकरे मंदिरों में लाउड स्पीकर लगवाएं। रामदास आठवले ने दी सलाह। पाकिस्तान के राष्ट्रपति पर बड़ा आरोप। पीएम ने इमरान खान की पार्टी का पक्ष लेने का किया दावा। निखत दूसरी बार बनी वर्ल्ड चैंपियन। भारत को तीसरा गोल्ड मेडल। भारत में 24 घंटे में 1509 से अधिक कोरोना के मामले आए सामने, पिछले 146 दिनों में सबसे अधिक। महाराष्ट्र में फिर तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 437 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में डॉक्टर ने बनाए महिलाओं के अश्लील वीडियो। 80 गंदे वीडियो हुए वायरल। 400 महिलाओं ने कराई शिकायत दर्ज।